विकासखंड करतला जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुपातराई के सरपंच राजकुमारी कंवर को भ्रष्टाचार के मामले में 23 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को हटा दिया गया। उनके जगह देव कुमारी कंवर को नवीन सरपंच मनोनीत किया गया। ये कार्रवाई उपस्थित ग्राम पंचायत सुपातराई के समस्त पंचगण, उप सरपंच एवं जनपद पंचायत करतला के लेखा अधिकारी के समक्ष की गई। चित्रलेखा श्रीवास की कोरबा से रिपोर्ट। मेरा नाम फोटोगिरी गोस्वामी, मैं ग्राम पंचायत सुपातराई उप सरपंच के पतिया सुपातराई में रथ हूँ। सरपंच भ्रष्टाचार रही से सरपंच के खिलाफ आज से ढाई साल पहले से मैंने एक बार मैंने कार्यवाही पंचमन के उप सरपंच के द्वारा और गोठान अध्यक्ष राधेश्याम पटेल, पंच ज्ञान सिंह कंवर के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े गए रही थे। और आज हमन एसडीएम द्वारा लड़के धारा 40 के तहत वो हटा दें, वह कलेक्टर में करी, हाई कोर्ट में करी, लेकिन सब जगह होकर गलती पाएगी से स्थिति अभी जर्जर। पंचायत भवन में दो ढाई साल से एक भी पंचायत बैठक नहीं किए गए है, एकर बाद भी बहुत सारा रकम विकास कार्य के पैसा आहरण हुआ है। एकरे परिपालन में आज एसडीएम द्वारा हटा दिए गए है, ओकर परिपालन में हमारे अधिकारी आ रही ओला आज बर्खास्त करीन है और बर्खास्त करके देव कुमारी पंचला सरपंच के स्थानापन बनाई है। न्यायालय अनुभागीय अधिकारी राजस्व एवं विहित प्राधिकारी कोरबा जिला कोरबा के द्वारा सरपंच को पद से हटाया गया है और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करतला के निर्देश पे हम लोग यहाँ स्थानापन्न सरपंच नियुक्ति के लिए उपस्थित हुए हैं। ग्राम पंचायत विधिवत सूचना सचिव के माध्यम से जारी करवाया गया, जिसमें 11 पंच उपस्थित हुए और उपस्थित पंचों के द्वारा श्रीमती देव कुमारी कंवर, पति श्री आत्माराम कंवर को सर्वसम्मति से स्थानापन्न सरपंच के लिए नियुक्ति किया गया है और इसमें किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं। मैं उदय सिंह कंवर, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण करारोपण अधिकारी के रूप में जनपद पंचायत करतला में पदस्थ हूँ। इसमें आदेश तो हुआ है और आदेश में ना जैसे स्पष्ट नहीं रहता, उसमें टोकन क्रमांक दिया रहता है, अब उसमें कुछ प्रकरण रहा होगा मतलब, तभी तो पद से पृथक हुए हैं। अब स्पष्टीकरण हम लोगों को पता नहीं चलेगा, वो अब वो क्या है, अब वो न्यायालय में चला होगा, उसमें संबंधित विषय रहा होगा तो वो मतलब उस हिसाब से मतलब पद से हटे।